Hey guys, this is Sumit. I welcome you to my channel, Let's Grow with English, where you get multiple sentences and structures that help you to learn English. So guys, today in this video, we are going to learn used to. So, आज हम used to के use सीखेंगे. Used to हमारा कब इस्तेमाल किया जाता है? पहले हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है. सबसे पहले, used to हमारा past के time में use किया जाता है. Past के time में कब? Used to का sense हमारा इस तरह के sentences के लिए होता है, जिनमें हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं काम को किया करता था. यूज टू का सेंस काम को किया करता था के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं पढ़ा करता था, मैं जाया करता था, मैं जॉब किया करता था, मैं पैदल चला करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था या बोला किया करता था. इस तरह से आप इसके सेंटेंसेस को यूज में लाएंगे जिसमें हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी फर्दर अडू. हम पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपको क्या करना है, मैं स्कूल जाया करता था. सो आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन यूज टू, देन वर्ब. आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन यू विल ऐड एन ऑब्जेक्ट. जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल. आई यूज टू गो टू स्कूल. आपको आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ इस सेंटेंस को बनाना है. जैसे मैं खाना बनाया करता था, आई यूज टू कुक फूड. जैसे मैं उससे बातें किया करता था, आई यूज टू टॉक टू हर. मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड बाइसिकल. जैसे मैं स्कूल पैदल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट. सो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं. सो हमें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इसमें डिड नॉट यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ता है. डिड नॉट यूज टू. जैसे मैं वहाँ नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर. आई डिड नॉट यूज टू गो देयर. इस तरह से आपको इसमें बोलना है. जैसे मैं खाना नहीं बनाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू कुक फूड. मैं उससे मिला नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू मीट हिम. मैं उससे बातें नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू हिम. इस तरह से हम इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिड को उठा करके आगे ले आना होगा. जैसे कि क्या तुम उससे बातें किया करते थे, डिड यू यूज टू टॉक टू हिम. क्या तुम वहाँ पैदल जाया करते थे, डिड यू यूज टू गो देयर ऑन फुट. क्या तुम खाना बनाया करते थे, डिड यू यूज टू कुक फूड. क्या तुम इस स्कूल में पढ़ा करते थे, डिड यू यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल. सो इस तरह से हम इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. सो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली लगाने के लिए हम डब्ल्यू एच फैमिली हमेशा सेंटेंस के आगे लगाते हैं और फिर क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब उठा करके, जैसे कि डिड मैंने बताया यहाँ पर, वो उठ करके आगे आ जाएगी. आप इसमें लगाएंगे कि क्या तुम क्या किया करते थे. सो क्या के लिए हम लगाते हैं वॉट. What did you used to do? तुम कहाँ जाया करते थे, Where did you used to go? तुम क्या बनाया करते थे, What did you used to cook? तुम किस से मिला करते थे, Who did you used to meet with? So इस तरह से हम WH family भी अपने used to के sentence में लगा सकते हैं. So I hope guys that you must have understood the video. So these are enough examples to learn used to. So thank you so much guys for watching my video. Please do like and subscribe my channel and keep watching and keep learning.